पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में थाना नवाबगंज पुलिस ने अवैध बम बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 सर्किट बम, 1 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 18 कारतूस, 2 किलो गांजा और बम बनाने की सामग्री उपकरण बरामद की है। फिरोजाबाद के एक निजी होटल में गैस लीक होने से भीषण आग लग गई। आग को देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि जानकारी के अनुसार होटल संचालक के पड़ोसी चंदन पुत्र राजा राम वर्मा के ज्वेलर्स की दुकान तक आग पहुंच गई। इस घटना से संबंधित 2 लोगों को पुरुषोत्तम केसरवानी और कृष्ण नारायण केसरवानी, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पे फॉरेंसिक की मदद से, BDS टीम की मदद से यहाँ पे सर्च किया गया और इनके घर में कब्जे से कई चीजें बरामद हुई है, जिसमें 3 जो है सर्किट बम बरामद हुआ है, 1 पिस्टल 32 बोर का बरामद हुआ है, 1 रिवॉल्वर है 32 बोर का, नाजायज गांजा चरस इत्यादि बरामद हुआ है तथा बम और अवैध शस्त्र बनाने की सामग्रियां भी बरामद हुई है, जिसमें सल्फर, सुतली बम इत्यादि ये सभी चीजें हैं।